गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मौसम बहुत ज्यादा अच्छा और इतना खुशनुमा हो रहा है भाई साहब, काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता उसके साथ बाइक पे गेड़ियां मार रही होती सही में। चलो कोई बात नहीं, सिंगल बेहतर रहता है मिंगल होने से। कोई नहीं, कभी ना कभी तो होगा, फिलहाल ऐसे ही मैं इंजॉय करूंगी। ठीक है, तो यार मतलब मौसम बहुत सेक्सी वाला हो रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं आप लोगों को मौसम दिखाऊं? ठीक है, देखोगे? चलो देखो, ये हो रहा है बहुत अच्छा वाला मौसम। देखो मतलब देखो, मजा आ जाए। मैं सही बोल रही थी ना, पकोड़े खाने वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी हम खाएंगे पकोड़े और चाय। ओ माय गॉड, भजिया इतना यम्मी लगता है ना, भजिया खाने में बहुत सही लगता है ऐसे मौसम में। मतलब फील आ जाती है, मतलब बहुत सही फील हो जाती है। सुन रहे हो? आए हाय, मजा आ गया। इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब मजा आ रहा है। हिलने का मन नहीं कर रहा क्या आपका? हाँ वैसे हिलने का मन तो नहीं कर रहा। पता है अभी पता क्या हुआ था? अभी ना लाइट चली गई थी। हाँ लाइट चली गई, सच्ची ऊंची लाइट चली गई थी और फिर वापस आ गई। मैंने कहा यार सही है यार, अंधेरे में मतलब कैसे पकौड़े बनाती? अब मैं पकौड़े बनाऊंगी, मैं खुश खुश पकौड़े बनाऊंगी। मैं ना 2 मिनट में ना गुस्सा हो जाती हूँ। लाइट गई थी, गुस्सा हुई, फिर वापस मैं शांत हो गई। ठीक है, अब मैं इतना बोलूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आई नो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, पर ठीक है ना, अपने मुँह से बोलूँ कौन से किसी और के मुँह से बोल रही हूँ। तो पीछे आई थिंक खड़े होकर मम्मी मुझे ऐसे घूर के देख रही होगी। ठीक है, वैसे उनकी तबीयत खराब है, वैसे सच में खराब है, मगर जहाँ मैं इतना बोलती हूँ ना, वो मुझे मतलब क्या है, खुद ही बोलती रहती है कैमरे को देख के। हाँ तो यही था, तो अब मैं पकौड़े बनाती हूँ। हाय रे, मेरा मौसम बहुत सही हो रहा है यार, काश मैं बाहर होती, कोविड ना होता, सब कुछ नॉर्मल होता, कुछ जिंदगी अलग होती ना। चलो ठीक है, पकौड़े बनाते हैं। ओके, अभी मम्मी और काजल क्या कर रही हैं? क्या कर रही है? मतलब पकोड़े बनाने का काम कर रही है। हाँ पकोड़े बनाने का काम कर रही, मतलब पकोड़े वो नहीं बनाएंगी, उनको सिर्फ मैंने चॉपिंग का काम दिया है कि वो चॉपिंग कर लेगी और बनाने वाला मेरा काम। ठीक है, हम ऐसे ही मिल बांट के काम करते हैं, ज्यादा हम लोगों को सोचना नहीं होता, हम लोग सब मिल बांट के करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग ऐसे ही काम करते हैं। ये लोग काटेंगे, मैं बनाऊंगी, मैं बनाने वाला काम करूंगी, मैं रिस्क वाला काम करूंगी, तेल के साथ मैं खेलूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी। ठीक है, तो हम बना रहे हैं पकौड़े। इतनी शांति, मैं गुच्छा हो गई अभी ना, मैंने ना इसको डांट दिया ना, तो ये सड़ी पड़ी इसलिए बोल नहीं रही, वरना इसकी बैकग्राउंड में आवाज ना आया, ऐसा हो सकता है। खूब डांटा, बढ़िया से डांटा, मगर ये ना ये उस प्रजाति की है कि जिस पर घंटा असर नहीं पड़ता जैसे मुझ पे असर नहीं पड़ता था, और हम देख करते रहते हैं। चलो रात गई बात गई, तुमने कहा था ना, चलो रात गई बात गई है। मैं अभी भी गुच्छा हूँ। अच्छा गुच्छा तो मतलब पकौड़े तो नहीं खाओगी ना? मैं वीडियो बंद कर दूंगी देख लेना फिर। देखो धमकी, देखो हमारा गुस्सा इतना ही निकलता है, कोई भी चीज वीडियो बंद कर दूंगी, वीडियो बंद। फिर उसके बाद ब्याह है तो क्या होगा, क्या होता है, तो उसके पीछे हम लड़ेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। अरे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं, दीदी चटनी तो बनाई नहीं तुमने? मैं नहीं बना रही हूँ। क्यों? बोला ना मैं गुस्सा हो गई। अच्छा एक मुटका मारूंगी तब जाके मान जाऊंगी? मुझे फिर तो कतई नहीं मानने वाली। मम्मी भी कुछ खाओ, बोलो ना, गुच्छाओ, गुच्छा होगी नहीं हो बता दो, क्या कर लोगे? देखो जहाँ इंसान गुस्सा होता ना, वही इनकी आवाज ऊपर हो जाती है, फिर इनको ना थोड़ा सा डोज देना पड़ता आवाज का, मुझे सुनाई देता है, बहरी नहीं हूँ, जिस दिन बहरी होंगी ना तुम बोलती रहना मुझे। अच्छा सुनाई देते, एक बार में समझ में आता है? नहीं समझ में आता, पूछ रही ना गुच्छा होगी नहीं हो? आपसे कितनी बार पूछ चुकी हो? कंफर्म करना चाहती हो कि सही में गुस्सा होता है, तुम्हारे हिस्से का पकौड़ा मेरे को मिल जाएगा, इसलिए पकौड़े अपनी जगह, गुस्सा अपनी जगह बोल रही हूँ मैं। मगर इंसान गुस्सा होता तो नहीं खाना खाता ना, वो जब नापसंद वाले खाने बनते तब की बात होती है, मतलब उस चीज के लिए इंसान गुस्सा होता है। ओहो बात समझ में आया, कि मतलब खाना खाना ना पड़े और मुंह सड़ा के बैठ जाओ। अब मैं याद रखूंगी चीज, तुम्हारे पे अप्लाई करूंगी,
मतलब तुमने आज मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई है। ओके ठीक है, इस घर की पता ही यही प्रॉब्लम है, लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन बनाते कुछ नहीं है। तो तुम भी तो बना सकती, क्यों नहीं बनाती हो? मुझे तेरे के पास आना अलाउड नहीं है। क्यों? तुम लाली हो, छोटी बेबी हो। जल गई तो फिर अलग से फूटोगी उस चीज के लिए भी। कहा था ना तेरे के पास मत आओ, फिर भी आई। बेटा अभी तुम छोटी हो ना, तो तुम जल गई तो बना के क्यों नहीं देती हो? बना तो रही, भजिया बना दो आज तुम्हारे लिए। पकोड़े हमारे बन चुके हैं, चाय एक साइड बन रही है और सारी चीजें रेडी हैं। और दीदी आज खाएगी पकोड़े और फिर उसके बाद देखते हैं उसका गुस्सा शांत होता है नहीं होता। मैं उसे मना लूंगी, मुझे पता है मेरे अंदर टैलेंट बहुत है इस चीज का। मैं उसको इतना इरिटेट करूंगी, उसके पास तेरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आपको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है फिर भी मैं कैमरे पकड़ के खड़ी हूँ। ये इतनी अच्छाई है, पता है हर किसी के अंदर इतनी अच्छाई नहीं होती है। अगर आप लोग सोचे इसके अंदर डर है तो आप भूल जाओ, ऐसा कोई डर नहीं है। वो बहुत अच्छी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। किसी दिन मिलो, वो बहुत अच्छी है मेरी बहन, बहुत 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 अच्छी है। इतनी तारीफ काफी थी, पैसे मिलेंगे। मेरी प्रमोशन नहीं करना था। नहीं तुम वो अच्छी, तभी तो तुमने पकड़ा है, वरना तुम्हारी क्या मतलब क्या है इसमें? मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ? पकोड़े दे रही हूँ, तुम पकोड़े में वो जाओगी? नहीं ना, यम्मी भजिया। देखा गुस्सा शांत हो रहा, मैंने कहा था ना इसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसका ये प्लस पॉइंट है। ऐसे मेरा भी प्लस पॉइंट, मैं सिर्फ थोड़ी देर तक सड़ सकती हूँ फिर उसी बार मैं ठीक हो जाती। अच्छा कैमरा ऑन है कि नहीं ये तो बता देती। ऑफ है, फिर फायदा क्या हुआ मेरा बोलने का? दोबारा ऑन करो ना, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तारीफ कर ली, वो रिकॉर्ड हो गया? अरे बताओ ना। हो गया मेरी तारीफ? अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? हो गया। दिखाना भी नहीं आएगी थे। ऐसे करो, टो 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 टो। जलेबी नहीं बनानी है? आई थिंक चाय बन चुकी है। बन गई? हाँ चाय बन चुकी है। आज हम खाएंगे भजिया, ये वाला भी पकोड़ा बन चुका है। मैंने गैस बंद कर दिया, ठीक है, कि जो तेल गर्म होगा उसी में हो जाएगा और हमारा बचत हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो चाय बन गई, पकोड़े बन गए, चटनी आज है नहीं, बिना चटनी के काम चलाना पड़ेगा, हम चला लेंगे। हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमारे हैं पकोड़े रेडी। कहीं है? दिखा दो पकोड़े, ऐसे बनाए हैं पकोड़े। ये रहे हमारे क्रिस्पी यमी पकोड़े। तो यहाँ पर चाय भी रेडी हो चुकी है, बस अब चाय छाननी बाकी रह गई, फिर हम लोग चाय और पकोड़े खाएंगे और उन दोनों के मजे लेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ चाय बन गई और दीदी चाय छान रही है। अब दीदी पहले सड़ी हुई थी, अब नहीं सड़ी हुई, अब उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया, 99.9% शांत। हाँ शांत हो चुका है, ठीक है। मैंने कहा था ना वो मान जाती है, ये अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की हो ना दीदी, देखा लुक्स कैसे दूर। मेरे को कम चाय, यहाँ चाय बन गई कि और पकोड़े आ चुके हैं और यहाँ पर मम्मी भी खा रही है चाय और पकोड़े, ठीक है। तो अब हम लोग चाय और पकोड़े खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ तो अभी रात हो चुकी है और हम लोग दूध पी रहे हैं हल्दी वाला। तो अभी कुछ है नहीं करने के लिए, अब देखते हैं, शायद हमारा कुछ मूड का पता नहीं होता। शायद हम अभी कैरम खेले, शायद हम अभी छुपन छुपाई खेले, शायद हम ये करें, शायद हम वो करें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं, फिलहाल तो दूध पी लेते हैं, ठीक है। इतनी बात करूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। चलो ठीक है, 11 बज गए और हम लोगों को पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है अभी कैरम खेलना है। हमारा ना अलग अलग ही मतलब चीज होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी, मम्मी सो चुकी है और हम दोनों सिस्टर्स आराम से कैरम खेलेंगे। वैसे कैरम हम लोगों को खेलना आता नहीं है, बस हम लोग हमारे खुद के रूल होते हैं, हम लोग कोई रूल को नहीं मानते, ये हमारे खुद के रूल है। हम वैसे वाले प्रोफेशनल वाला नहीं खेलते, प्रोफेशनल होता है ना, हाँ तो हम वैसा वाला नहीं खेलते, हम अपने रूल के हिसाब से खेलते हैं, ठीक है। तो अब भी हम देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैरम खेलना। मेरे पास कुछ ऐसी इतनी सारी गोटियाँ आ चुकी है और मैं नहीं जीती हूँ, मुझे इसका कभी कुछ नहीं है।
नहीं खेलेंगे ठीक है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।